बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 बड़ी खुशखबरी, सभी छात्र होंगे पास, मिलेगा एक्स्ट्रा समय। जी हाँ दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। मैट्रिक के इंटर के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। BSEB एग्जाम 2022 न्यूज टूडे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए उन सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही बड़ी खबर, खुशखबरी आ रही है। दिव्यांग, जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड की तरफ से जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स जितने भी विद्यार्थी हैं, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। उन सभी विद्यार्थी के लिए, छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके जी हां दोस्तों, जिससे कि वह अपने पेपर को आसानी पूर्वक कर सके। दोस्तों यहां पर देखिए, बारी बारी करके एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी देंगे। बिहार बोर्ड ने इसके लिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस संबंध के लिए बिहार के सभी जिला पदाधिकारी यानी DEO को पत्र भेजा है। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा, वहीं इंटरमीडिएट का परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा दो पालियों में होगा, प्रथम पाली 9:30 बजे से शुरू होगा, ठीक ना। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। आने वाली सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। बिहार बोर्ड ने यह भी सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा पहले पहुंचना होगा, यदि वह लेट करते हैं तो उनको परीक्षा से वंचित किया जाएगा, इसलिए सभी छात्र एवं छात्राएं परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। जी हां, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बिहार बोर्ड से जुड़े प्रत्येक खबर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर इस बार की बहुत ही अहम फैसला ली रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर बिहार विद्यालय उन सभी छात्रों का रिपोर्ट 15 जनवरी 2022 तक मांगी है जो दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि जो छात्र दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित हैं, उनकी जैसे कि जगह पर जो भी मदद करेंगे, उनको बिहार बोर्ड ने प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने के लिए बोला है, ठीक है। जैसे कि जो विकलांग हैं, जैसे कि जो भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उनकी मदद करना चाहते हैं पेपर में, तो उनके वो आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करेंगे तभी जाकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। खुद ही लेखक लाने का विकल्प दिया जाएगा, इसलिए वैसे विद्यार्थी जल्दी से अपना आवेदन करा ले, ठीक। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जो भी लेखक रहेंगे वह पहले नॉन मैट्रिक यानी मैट्रिक परीक्षा में भाग पहले कभी ना लिए हो, यदि परीक्षार्थी खुद लेखक लाते हैं तो उनके अंडर टैंकिंग, जी हाँ दोस्तों, देना होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दें सभी स्टूडेंट्स को कि हमारे द्वारा चैनल पर पूरी जानकारी, मौर्य गुरु एकेडमी पर बिहार बोर्ड से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करो और वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।